किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो वीडर के बारे में। तो हम सर से पूरी जानकारी लेंगे कि इनके पास कौन कौन से वीडर अवेलेबल हैं और किसान भाई इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इनके बारे में। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मेरा नाम है हर्ष गर्ग और हमारी जो कंपनी है वो है रासन एग्रो इंजीनियर। स्प्रे मैन हमारा ब्रांड है। 1989 से स्थित कंपनी जो है ये 31 सालों से किसानों की भलाई की सेवा में लगी हुई है। तो सर, आज जो प्रोडक्ट आप हमारे किसान भाइयों को बता रहे हैं, जो दिखाने वाले हैं, उनके बारे में आप थोड़ा बताइए कि किसान भाई इनका इस्तेमाल कहाँ और किस तरीके से कर पाएंगे। जी ज़रूर। जो हम आज के टाइम पे जो आपको दिखाने लगे हैं जी, ये मिनी टिलर हैं। मिनी टिलर जो है ये गुड़ाई, निराई, जुताई का काम करते हैं और ये जो है ये किचन गार्डनिंग के लिए है। मतलब जिन किसानों की जो ज़मीन है वो कम है या कोई जैसे सरकारी अफसर होते हैं उनका 1 एकड़ 1.5 एकड़ या 2-3 बीघा में अपना उनका खुद का घर का खेत होता है, बाग होता है जिसमें वो सब्जियां वगैरह लगाते हैं। तो माली वगैरह रखे होते हैं, तो मालियों को देने के लिए ये यंत्र उन्हें, क्योंकि वो अभी मैनुअल लेबर से घास फूस निकालते हैं, गुड़ाई वगैरह करते हैं, तो उसमें ये उनके लिए बना है। या जो किसान जैसे कोई सब्जी लगाता है या कोई मिर्च मसाले लगाता है 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़ में, तो उनके लिए ये जो मॉडल है हमने बनाए हैं ताकि ये कम जगहों पर लेके जाए। ठीक है, क्योंकि बड़े रोटावेटर वहाँ पे नहीं घुस पाते हैं, वो पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो वहाँ पे अभी वो मैनुअली लेबर लगा के गाँव में से, ठीक है, उनको लगा के वो अपना घास फूस उखाड़ते हैं। तो इन मशीनों की मदद से वो इसी मशीन से चला के खुद ब खुद अपना जो है निराई जुताई का काम कर सकते हैं। तो सर, आज आप हमें कितने मॉडल दिखाने वाले हैं और उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है, वो आप थोड़ा हमें बताइए। जी, इस हमारे मिनी टिलर हमारे पास 3 मॉडल इस रेंज में आते हैं, 52 सीसी, 68 सीसी, 50 सीसी फोर्सचो, जिसकी जो चौड़ाई है, जो रोटावेटर की चौड़ाई है वो 8 इंच से लेके 8 इंच, 11 इंच, मतलब सॉरी 8 इंच, 12 इंच और 1.5 फीट, मतलब 8 इंच से लेके 1.5 फीट तक का वो जो है रोटावेटर अलग अलग मॉडलों में लगा हुआ है। कुछ छोटे काम के लिए है, कुछ बड़े कामों के लिए है, कुछ उससे बड़े कामों के लिए है। तो जैसे जो भी आपके मॉडल हैं उनके बारे में आप एक एक करके बताइए कि सबकी क्या स्पेसिफिकेशन है और कौन से मॉडल से हम कितनी चौड़ाई तक की जो निराई गुड़ाई कर पाएंगे। जी ज़रूर ज़रूर। जैसे जो ये हमारे जितने भी मॉडल हैं जी, ये खाली जुताई में काम आते हैं। उसके बाद जैसे हम पेड़ लगाए हैं, बाग लगे हैं, तो पेड़ों के आसपास उन्हें गुड़ाई करनी होती है, तो बड़े पावर टिलर से नहीं हो पाती है। या हमारे जो पहाड़ी भाई हैं उनको होता है कि पावर टिलर जो वजन में हल्का हो वो काम में आए, क्योंकि बड़े पावर टिलर अब सीढ़ी नुमा खेत हैं या तंग रस्ते हैं, वहाँ से वो नहीं जा पाते हैं। तो ये पावर टिलर हमने इस हिसाब से बनाए कि इन्हें उठाना वगैरह आसान रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा MT 5500 मॉडल है। इसके अंदर जो है हमने 52 सीसी 2 स्ट्रोक का इंजन लगाया है। ये जो है ये इसकी जो चौड़ाई है वो आप देख सकते हैं, ये 1 फीट के अंदर ये काम करता है। इसमें जो है 1.5 HP का इंजन लगाया है और सीधा सिस्टम है। जितना आप रेस दोगे जी, जितनी रेस दोगे उतने तेज़ी से ये रोटावेटर घूमेगा और उतनी तेज़ी से ये काम करेगा। और वो रेस जो है वो चलाने वाले के हाथ में है, वो अपने अनुसार, अपनी चाल के अनुसार वो इस रेस को दे सकता है। और इसके अंदर जो आप देख सकते हैं, इंजन सीधा गियर बॉक्स के शाफ्ट जुड़ा हुआ है, कोई बेल्ट वगैरह या कोई पुली वगैरह का सिस्टम नहीं है। और पीछे की तरफ हमने 2 टायर लगाए हैं जिससे इसको लेके जाना वगैरह आसान है और इसको महिलाएं भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वज़न में हल्का है, आसानी से एक आदमी इसको उठा सकता है और इधर उधर लेके जा सकता है। सर, इसका जो फ्यूल कंजम्पशन रहता है वो कितना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, जो इसका फ्यूल कंजम्पशन है जी, ये 1 घंटे का 1.25 से 1.5 लीटर जो है फ्यूल कंजम्पशन लेता है। वो चलाने के ऊपर है, कितनी रेस पे आप चला रहे हो, कितनी गहराई में लेके जा रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लीटर, कम से कम ये 1 लीटर लेता है। इसे स्टार्ट करने का और ऑपरेट करने का क्या सिस्टम है, वो स्टार्ट करने का सीधा सिस्टम है जी, ये स्विच लगी हुई है ऑन ऑफ। इसके अंदर पेट्रोल के अंदर 2TL डलेगा, क्योंकि ये 2 स्ट्रोक इंजन है। 1 लीटर पेट्रोल के अंदर इसमें हम जो है 40 ml 2TL डलता है। आगे किसान भाइयों को दिक्कतें आती थी कि उन्हें पता नहीं लगता था कितना 2TL डालना है, तो अभी हम जो है ये स्पेशल टैंक कैन साथ में देते हैं मशीन के, जिसमें इस तरफ पेट्रोल डलेगा, इस तरफ 2TL डलेगा। जितना पेट्रोल डालना है उसके ही सामने जो है हमने 2TL डाल देना है और बाद में ये अंदर से जुड़ा हुआ है, इसको मिक्स कर देना है ताकि पेट्रोल और 2TL सही मात्रा में मिक्स हो जाए। और फिर इसका ढक्कन खोल के हमने इसकी टंकी में डाल देना है। तो इससे किसानों को ये बार बार नापने की, पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोनों का अलग अलग सेक्शन दे के हम कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है ये पूरा आप देख सकते हैं, इसको आप पीछे को लेके जाओगे तो ज़्यादा गहराई में जाएगा, आगे को लेके जाओगे तो 2 इंच तक ये गहराई में जाता है। उसके बाद आपका ये जो मॉडल है इसके बारे में, ये हमारा बड़ा आ जाता है जी 68 सीसी में। ये 3 हॉर्स पावर का 2 स्ट्रोक इंजन में है, जिसकी रोटावेटर की जो आप देख सकते हैं चौड़ाई है वो 1.5 फीट है। 18 इंच का जिसका जो है ये रोटावेटर है। 16 इसमें ब्लेड लगे हुए हैं, 2 टायर पीछे दिए हैं। और इसमें आप देखोगे इसका जो हमने एयर क्लीनर है वो इसका हम ऊपर की तरफ लेके आए हैं अलग से। इसका एयर क्लीनर ऊपर लेके आने का मकसद ये है कि ये जो इंजन है सीधा गियरबॉक्स से जुड़ा हुआ है नीचे की तरफ, तो उससे क्या होता है कि जो मिट्टी वगैरह है वो इंजन में चली जाती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने इसके अंदर डबल एयर क्लीनर, एक तो यहाँ पे इसका फोम है और एक क्लीनर के अंदर यहाँ पे फोम है, जिसको आप खोल के जब मर्जी साफ़ कर सकते हैं किसान भाई। आप देख सकते हो ये पेपर फिल्टर दिया हुआ है हमने, फोम फिल्टर। इसको जो है आसान, साफ़ करना बहुत आसान है किसान भाइयों। इसको ऐसे खींचा, ये फोम उतर जाएगी और इसको पेट्रोल के अंदर निचोड़ के अच्छे से झाड़ के अब इसके अंदर ऐसे वापस लगा दोगे, तो यही इसकी सफाई है एयर क्लीनर की। जी, तो जैसे इसे हम चलाएँ अगर, तो इसमें कितना फ्यूल कंजप्शन रहेगा उसके बारे में? ये जो है 68cc 3 हॉर्स पावर वाला है, इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो घंटे का 1 लीटर है। और इसको भी चलाने का सिंपल सिस्टम है, ऑन ऑफ करिए। और इसमें जो है हमने अपने पेट्रोल टंकी के अंदर वही 2TL मिक्स करके जो कैन के मुताबिक, और ये इसके अंदर रेस देनी है। और साथ ही मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि हम हर मशीन के साथ जो है एक ग्लव, ये गॉगल्स देते हैं ताकि वो आँखों पर पहन के आसानी से चला सकें, और एक ये दस्ताने देते हैं ताकि जो वाइब्रेशन है वो कम रहे। तो इन दस्तानों को डाल के वाइब्रेशन हाथों में कम महसूस होगी, और ये गॉगल्स डाल के जो है ये हमें जो मिट्टी है हमारी तरफ वो कम आएगी। इसको जो गॉगल्स को भी हमने स्पेशल डिज़ाइन करा है ताकि किसी का चेहरा छोटा है, लंबा है, तो उस हिसाब से किसान इसको एडजस्ट करके डाल सकता है। ये सेफ्टी इक्विपमेंट सारे साथ में आते हैं। ये कैन आएगी जिसमें पेट्रोल 2TL मिक्स करके आएगा, ये डालने के लिए कीप आएगी, और साथ में ये हम ऐसे टूल किट भी देते हैं जिसके अंदर आप किसान भाई देख सकते हैं कि एक हम स्पार्क प्लग साथ में फ्री देते हैं मशीनों के साथ। ये जो हमारी MT 7068cc और MT 5552cc, एक प्लग हम साथ में फ्री देते हैं। और साथ में आप देख सकते हो एलन की चाबी, पाना, नट बोल्ट, सारा कुछ चीज़ें देते हैं ताकि किसान भाई को कोई परेशानी ना हो। तो ये यंत्र लेके उसको कुछ और यंत्र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके साथ जो हमारा 68cc है, जैसे मैंने आपको बताया 3 हॉर्स पावर का है, 1.5 फीट का है, तो इसके साथ हमने ये जो है ये रीजर वाली अटैचमेंट जो ये नाली बनाने का काम आती है, छोटी नाली साथ के साथ बनाती है, रोटावेटर के पीछे चलती है। आगे रोटावेटर मिट्टी को नरम कर देता है और उस नरम मिट्टी को ये काटता हुआ एक तो नाली बनाता है और दोनों तरफ हल्की हल्की मिट्टी चढ़ाता जाता है। अपने जो बेड है, जो मेड है, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाने के ये बहुत ही अच्छा काम में आता है। जी, तो उसके बाद सर हम आपका ये जो मॉडल है इसके बारे में जानना चाहेंगे, इससे हम किस तरीके के काम कर पाएंगे, तो थोड़ा बताइए। जो हमारा ये मॉडल है जी, ट्रॉली T155 मॉडल है। T155 मतलब ट्रॉली ब्रश कटर है। इसके अंदर हमने जो है 50cc का इंजन लगाया हुआ है, 50cc का इंजन इसके अंदर लगाया हुआ है। और इसके अंदर 4 स्ट्रोक इंजन है, मतलब खाली पेट्रोल डलेगा, कोई 2TL वगैरह इसमें अंदर नहीं डलेगा। और इसके अंदर और खूबी क्या बात है जी कि इसके अंदर आप देख सकते हैं आगे इसमें हमारे पास 4 तरीके के साइज़ हैं, 8 इंच, 11 इंच, 16 इंच और 20 इंच। तो इन 4 साइजेस को आप अलग अलग, जैसे आपने एक गियर बॉक्स ले लिया 11 इंच का, उसी गियर बॉक्स के ऊपर आपको खाली अलग अलग साइज़ के ब्लेड लेने हैं, 16 इंच के ब्लेड लेने हैं, 20 इंच के ब्लेड लेने हैं। इससे क्या फ़ायदा है कि कोई सब्ज़ी दूरी पर लगी है, कोई नज़दीक पर लगी है, कोई सी अलग अलग है, तो मतलब आपको एक ही मशीन से अलग अलग तरह के साइज़ की गुड़ाई होती रहेगी। ये ट्रॉली के ऊपर है, आसानी से इसको आप चला सकते हो, ऐसे आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अंदर 50cc का 2 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, वो भी 4 स्ट्रोक, जिस वजह से इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बहुत कम आती है। मात्र 1 घंटे का 600 ग्राम ये पेट्रोल लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ाई के ऊपर, फुल लोड के ऊपर। इसे ऑपरेट करने का क्या सिस्टम है? इसको भी ऑपरेट करने का किसान भाइयों आसान सिस्टम है। ये स्विच से ऑन ऑफ कर दिया हमने, उसके बाद ये रेस है, इसके अंदर हमने रस्सी खींची, इंजन स्टार्ट हो जाएगा और जितनी हम रेस देंगे उस हिसाब से इसकी चाल चलती रहेगी। इसमें भी यही है कि अगर तो हमने चाहते हैं कि बस 1-1, 2-2 इंच ऊपर से गहराई हो, फिर तो इसको आगे को जाने दें। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम इसको 4 इंच तक गहराई में लेके जाना चाहते हैं, तो इसी अटैचमेंट को लेके हम इसको पीछे की तरफ आएंगे, तो ये जो है ये 4 इंच तक की गहराई के अंदर आसानी से चला जाएगा। तो जैसे सर एक चीज़ आती है, काफ़ी किसान कहते हैं कि सर हमने जैसे एक आज कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, 1 साल बाद हम इसे चला रहे हैं या फिर 2 साल बाद हम इसे चला रहे हैं, तो सबसे मेन ज़रूरत होती है किसानों को पार्ट्स की। जी, कोई पार्ट्स अगर ख़राब हो गया हमारा, तो वो हमें कैसे अवेलेबल होगा, तो उसके बारे में? जी, इन सभी मशीनों के ऊपर जो है किसान भाई 1 साल की फुल वारंटी मिलती है। तो आपको कोई भी अगर पार्ट वारंटी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से ख़राब हुआ, तो वो पार्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ना आपसे कोरियर का खर्चा लिया जाएगा, ना आपको पार्ट की कीमत का खर्चा दिया जाएगा। ये पार्ट आपको खाली फ़ोटो भेजनी है कि ये वारंटी में ख़राब हो गया, तो हम इस पार्ट को भेजेंगे और आपको वो पार्ट डाल के आप अपनी मशीन को चालू कर सकते हैं। वारंटी के बाद भी जो है ये हम आपको इसका जो पार्ट है तकरीबन जब भी हम हमारी कंपनी का रूल है कि अगर हमने कभी कोई मॉडल बंद कर दिया या कुछ कर दिया तो कम से कम 4 सालों के लिए उसका हम पार्ट अपने पास रखते हैं। तो इन मॉडल के जो है बंद करने के बाद भी 3-4 सालों तक किसान भाइयों को पार्ट मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस मॉडल को बेचते हुए हमें 1.5-2 साल हो गए हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। जो जो हमने इसके किसान भाइयों ने हमें इसके बारे में बताया कि ये सुधार कीजिए, वो हमने इसके अंदर सुधार करे हैं। ये जो मॉडल है किचन गार्डनिंग के लिए बहुत ही बेहतर मॉडल है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, कम दाम में अंदर ये बहुत ही दमदार काम करते हैं। तो सर एक हम इनकी प्राइस जानना चाहेंगे, इनकी प्राइस कितनी है सर? जी सर, अभी हम इसकी प्राइसिंग के ऊपर बात करते हैं तो ये जो हमारा छोटा मॉडल है 52cc वाला जो 1 फीट की वाला है, ये किसान भाइयों ये पड़ता है 12,000 के अंदर। आपको 52cc का 1 फीट का रोटावेटर मिलेगा और साथ में आपको वो देख सकते हैं ग्लव्स मिलेंगे, आपको गॉगल मिलेगी, पेट्रोल कैन मिलेगी, मिक्सिंग वाली कीप मिलेगी, एक स्पार्क प्लग एक्स्ट्रा मिलेगा और साथ में आपको इसके अंदर होम डिलीवरी भी फ्री मिलेगी। तो किसान भाइयों आपके घर के अंदर पहुंचा के ये मशीन जो है 12,000 की पड़ती है और इतना सारा सामान आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि हम यही है कि छोटी विदेशी तकनीक को किसानों का काम आसान करने के लिए छोटे किसानों के लिए कम दाम के अंदर दमदार मशीन लेके आते हैं। उसके बाद हम बड़ी बात करेंगे 68cc वाला 3 हॉर्स पावर का, जिसका रोटावेटर 1.5 फीट का है और इसको भी जो है आप देख सकते हैं उठाना चलाना आसान है, आसानी से एक आदमी उठा के इसको लेके जा सकता है। इसके पीछे पहिए लगे हुए हैं, आप पहियों से भी आगे पीछे कर सकते हो। तो इस मशीन की जो कीमत है वो है 21,500 के अंदर। इसके अंदर भी आपको वही सामान मिलेगा, टूल किट मिलेगी, प्लग मिलेगा, आँखों के गॉगल्स मिलेंगे, दस्ताने मिलेंगे और इसकी भी जो है होम डिलीवरी 21,500 के अंदर ही है। आपको कोई और पैसा एक ऊपर भी खर्चने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमारा मॉडल है ट्रॉली वाला 50cc 4 स्ट्रोक 2 हॉर्स पावर का, इसकी भी जो कीमत है वो 21,500 है। 21,500 के अंदर जो है ये ट्रॉली ब्रश कटर आपको दिया जाएगा और आपको इसके साथ में एक वीडर जो भी आपको चाहिए 8, 11, 16 इन तीनों में से कोई एक साइज़ का वीडर ले सकते हो। अगर अलग से ब्लेड चाहिए तो वो 1500 का एक ब्लेड सेट है, वो आप अलग से ले सकते हैं। तो सर उसके बाद जैसे इन्हें कोई परचेज़ करना चाहे तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। लेने का जो तरीका है वो किसान भाइयों बिल्कुल ही सीधा तरीका है। इस मशीन को लेने के लिए किसान भाई जो है वो नीचे दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें, अपनी जानकारी लें और फिर कंपनी के अकाउंट में जो भी मशीन लेनी है उसका 10%, छोटी वाली लेनी है तो 1500, बड़ी वाली लेनी है तो 2500 रुपये डाल के अपनी बुकिंग कराएं, अपना एड्रेस भेजें। हम उस पते पे मशीन भेजेंगे, जब मशीन आपके नज़दीकी कोरियर पे पहुँच गई तब आप बाकी का पैसा देके अपनी मशीन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें आपको जैसे अगर आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं या फिर आप सब्जियों की खेती करते हैं जहां हम बड़े साधनों को अपनी जो निराई गुड़ाई के लिए नहीं ले जा सकते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट हैं, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो सर के जो मोबाइल नंबर है वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन्हें परचेज़ भी कर सकते हैं और इनकी जो पूरी डिटेल है वो भी आप सर से ले सकते हैं।